सन 1947 में भारत आज़ाद तो हो गया था, लेकिन यह आज़ादी भारत और पाकिस्तान से अलग होने की कीमत पर मिली थी। पाकिस्तान तो भारत से अलग हो गया, लेकिन पाकिस्तान की नापाक मांग कश्मीर भारत का ताज बना रहा। कई सालों तक पाकिस्तान ने कश्मीर को चुराने की कई कोशिश की, लेकिन साल 1999 में उसे एक ऐसी मार खानी पड़ी कि उसने दोबारा कभी भारत की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, जो कि भारतीय सैनिकों की वीरता के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध मई 1999 में शुरू होकर 2 महीने तक चला। भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को कश्मीर के कारगिल जिले में पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा कब्जा की गई ऊंची रक्षा चौकियों पर नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की थी। इसके लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। स्वतंत्रता का अपना ही मूल्य होता है, जो वीरों के रक्त से चुकाया जाता है। कारगिल युद्ध में हमारे लगभग 527 से ज़्यादा वीर योद्धा शहीद हुए थे और 1300 से ज़्यादा घायल हो गए। इनमें से ज़्यादातर वह नौजवान थे जिन्होंने अपनी जवानी के 30 वर्ष भी नहीं देखे थे। इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य व बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया जिसकी सौगंध हर सिपाही तिरंगे के समक्ष लेता है। ऑपरेशन विजय की सफलता के बाद इस दिन को विजय दिवस का नाम दिया गया। विश्व के इतिहास में कारगिल युद्ध दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में लड़ी गई एक जंग की घटनाओं में शामिल है। दोस्तों, अतुलनीय साहस और शौर्य का परिचय देने वाले सेना के सभी जवानों को शत-शत नमन। दोस्तों, इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हिंदी भाषा में देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।